कटनी दमोह स्टेट हाईवे पर घाट पिपरिया के समीप लाल घाटी पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कटनी तरफ से दमोह आ रही बिहार के भाजपा नेता की इनोवा गाड़ी और दमोह से कुम्हारी तरफ जा रहे ट्रैक्टर के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर दर्दनाक मृत्यु हो जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है। हादसे में घायल आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनोवा गाड़ी और ट्रैक्टर के बीच शुक्रवार रात हुई भिड़ंत के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम के हालात निर्मित हो गए। वहीं घटना की सूचना लगने पर 100 डायल और 108 मौके पर पहुंची। इधर बिहार भाजपा के जरिए प्रदेश भाजपा तक इस हादसे की जानकारी भोपाल पहुंची और वहां से सूचना मिलने पर जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी अपनी टीम के साथ सक्रिय हुए। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। क्या हुआ है? ट्रैक्टर आ रहा है, वो ठीक है। पांच लोग थे और ड्राइवर उतर के गया बाथरूम करने के लिए, साइड में गाड़ी लगाई, अपनी साइड में गाड़ी थी और ड्राइवर गया। इतने में जो गाड़ी आई है उस साइड से, कटनी साइड से, उसने गाड़ी में ठोक दिया, ट्रैक्टर में, खड़े ट्रैक्टर में मारी तो ट्रैक्टर पलट गया और वो गाड़ी, तो एक वो गाड़ी वाला भी इस पार्ट पर ख़त्म हो गया, यहाँ तक आ गया। और ये ड्राइवर में चार लोग बैठे थे, ट्रैक्टर में जो चार लोग बैठे थे उनमें से भी ख़त्म। कितने लोग ख़त्म हुए हैं? दो लोग ख़त्म। मृतक आपका कौन है? मृतक ये गांव का कहा है। घायल कितने लोग हैं? घायल वो तीन लोग हैं जी, ट्रैक्टर वाले तीन हैं। कहाँ के निवासी हैं? हम घाट पर। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नरेंद्र साहू। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।